नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, हम बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं, इन्हें बुलेट्स कहते हैं, ये जो सर्कल्स होते हैं स्क्वायर हॉलो सर्कल्स, ये कैसे लगा सकते हैं। हमने ये पढ़ा था अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे कोई अरेंजमेंट चाहिए किसी अकॉर्डिंग, विड्थ के अकॉर्डिंग कुछ अलाइनमेंट चाहिए कि सारा टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ जाए तो लेफ्ट मार्जिन लगा देंगे, सारा टेक्स्ट राइट पे जाए तो राइट मार्जिन लगाएंगे, कुछ अपर और कुछ डाउन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टाइलिंग हो जाती है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारे पास मार्जिन्स। हमें पता है मार्जिन क्या होता है। अगर एक पेज है मेरे पास, मैं उस पर कुछ लिखना चाहती हूँ, अगर मैं कह रही हूँ आपको आप मार्जिन छोड़िए, सो दैट मीन्स आप लेफ्ट से कुछ स्पेस छोड़ेंगे फिर आप लिखना शुरू करेंगे। सिमिलर वे में हमें टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट हर जगह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर कोई भी टॉपिक कुछ भी हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, कि हमें पता होना चाहिए कि हम इधर से इतनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं, इधर से इतनी, टॉप से इतनी, बॉटम से इतनी। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन्स चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करना है, वहां से ये मार्जिन्स की ऑप्शन आएगी। और जो हमारे पास नॉर्मल मार्जिन है वो सिर्फ 1 इंच का गैप ही छोड़ता है टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट से, यानी कि ऊपर से भी 1 इंच छोड़ेगा, इधर से भी 1 इंच एंड बॉटम से भी 1 इंच। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 इंच नहीं चाहिए हर जगह से, हर जगह से अलग अलग मार्जिन चाहिए, जैसे ऊपर से 2.5, लेफ्ट से 1, राइट से 1 और नीचे भी 2.5, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ मार्जिन्स पे जाएंगे, इस एरो पे, ये जो आप एरो देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे, आपको मार्जिन्स की ऑप्शन आ जाएगी, फिर आपको जो मार्जिन सूट करता है आप उस पे क्लिक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा टेक्स्ट वैसे ही सेव हो जाएगा। मान लीजिए कि आप थोड़ा सा नैरो करना चाहते हैं मार्जिन, थोड़ा और कम करना चाहते हैं, तो आप नैरो बटन पे जाएंगे, नैरो बटन पे जैसे ही जाएंगे क्लिक करेंगे तो वो धीरे धीरे और नैरो होगा। आप थोड़ा और नैरो करना चाहते हैं, आप फिर से नैरो बटन पे क्लिक कीजिए, और करना चाहते हैं फिर से नैरो बटन पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए ज्यादा नैरो हो गया, अब आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस देना है, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है वाइड का, तो आप वाइड बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वो उतना 1 स्पेस वापस आपको स्पेस छोड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पेज मार्जिन जो है वो ब्लैंक स्पेसेस हैं, और नॉर्मली हमारे पास 1 इंच का गैप होता है, जिसे अगर हम सेंटीमीटर में कहें तो 2.54 सेंटीमीटर पेज मार्जिन रहेगा टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट से। और अगर दिस इज द मोस्ट कॉमन मार्जिन विड्थ, जो आम हम यूज करते हैं वो ये नॉर्मल मार्जिन यूज करते हैं जिसमें 1 इंच का गैप होगा टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से। सो बट इफ यू वॉन्ट डिफरेंट मार्जिन यू शुड नो हाउ टू चेंज देम। और मैंने आपको अभी बताया हम चेंज कैसे करेंगे, अगर हमें कोई भी मार्जिन को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, वहां पे हमें मार्जिन्स का ऑप्शन मिलेगा, मार्जिन्स के नीचे छोटा एरो बना होगा, आपको डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, आप उन सब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपको कौन सा लेआउट सूट करता है, फिर आप उस पे क्लिक करेंगे, हमारा पूरा टेक्स्ट उसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए आपने चूज किया 2.5 2.5 1 एंड 1, तो ऊपर से वो 2.5 की स्पेस छोड़ेगा, नीचे से 2.5 का मार्जिन, लेफ्ट से 1, राइट से 1। सो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पेज लेआउट पे जाएंगे, वहां मार्जिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो पे जाएंगे, तो अगर हमें ये चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा नैरो करना चाहती हूँ मैं नैरो पे क्लिक करूंगी, अगर मैं थोड़ा वाइड करना चाहती हूँ तो मैं वाइड पे क्लिक करूंगी, और इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो यूज द रिबन टू चेंज मार्जिन, एक्सेप्ट
यू वर्क फ्रॉम द पेज लेआउट। अगर आप पेज लेआउट नहीं यूज करना चाहते हैं तो हम रिबन से भी, रिबन यानी कि यहाँ पे एक हमारे पास इस तरह डॉटेड में लाइन आता है, आप उसे माउस से पकड़िए फर्स्ट क्लिक करके और उसकी पोजीशन ऐसे ले जाइए या पीछे ले जाइए, जितना आपको टेक्स्ट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट यू क्लिक इट टू सिलेक्ट इट, तो जो मैंने अभी बताया यहाँ पे रिबन होता है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप सिलेक्ट कर लेंगे उसको। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको खींच के माउस की पोजीशन आपने लेफ्ट की तरफ लेके जानी है, जहां आप लेके जाएंगे वहां वहां ही वो मूव करता जाएगा। जितना नैरो करना है आप उतना मूव करिए, जितना आपने वाइड करना है आप उतना वाइड मूव कर सकते। सो यहाँ पे हमने सीखा कि मार्जिन्स हम किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तरीका है पेज लेआउट पे जाके हम मार्जिन्स पे जाएं, दूसरा तरीका है हम रिबन से करें। सो जब हम लोग यहाँ पे मार्जिन्स बटन पे क्लिक करेंगे और कोई भी मार्जिन को हम सिलेक्ट करेंगे तो वहां से क्या होगा, उसका बैकग्राउंड पे कलर भी उसी मार्जिन कलर का हो जाएगा। तो वहां से आपको पता चलेगा कि मार्जिन अप्लाई हो चुकी है। सो इट हैज बीन सेट फॉर योर डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे चलते हैं हम लोग, जैसे आपने मार्जिन में यहाँ आपने इस पे क्लिक किया, एरो पे आपने कोई मार्जिन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि जो आपने मार्जिन लगाई है, अप्लाई करी है, वो एकदम अप्लाई हो चुकी है, इसे कंफर्मेशन हो जाता है। सो व्हेन यू चूज अ मार्जिन, द आइकन फॉर द मार्जिन यू चूज गेट्स अ डिफरेंट कलर बैकग्राउंड। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो मार्जिन अप्लाई हो चुका है। सो इफ यू क्लिक द मार्जिन बटन अगेन, that background color tells you which margin size has been set for your document. एक बार आपने select कर लिया, अब आप जब दोबारा उसे select करेंगे तो वो आपको पूरी उसकी measurements देगा कि इस margin जो आपने select की है उसमें ये measurements है, top की, bottom की, left की, right की। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि जो हमने margin select किया है उसकी measurement क्या है। So यहाँ तक आज हमने मार्जिन का सारा पॉइंट खत्म किया, जितना हमने आज हमने मार्जिन चेंज करना सीखा। इसमें हमने सीखा देर आर टू मेथड्स, एक है पेज लेआउट, दूसरा है हमारे पास मार्जिन बटन पे क्लिक करके, रिबन बटन पे क्लिक करके। तीसरा हमें पता चला कि जब हम चेंज करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। सो मार्जिन्स के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होगा आप टेलीग्राम पे हमें पिंग कर सकते हैं, हम आपको उसी वक्त 5 to 8 टाइमिंग्स में रिप्लाई करेंगे। अगला टॉपिक सेव प्रिंट एंड क्लोज डॉक्यूमेंट कैसे करना है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।